हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी वर्चुअल क्लास। मैं नीता भटनागर आज आपको भाषा चैप्टर के विषय में पढ़ाऊंगी। हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा, नीचे बने हुए चित्रों को देखिए और समझिए। पहले चित्र में बालिका पढ़ रही है, दूसरे चित्र में बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को समझा रही है। अतः स्पष्ट है कि इन चित्रों को देखकर हमें ये पता चलता है कि हम अपने विचार तथा भाव दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं बोलकर। जैसे कि आपने हमें बोला और हमने आपको बोला, तो आपने उसको समझा। हमने आपको क्लास में जो पाठ पढ़ाया तो आप उसको समझ रहे हैं और उसको व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, लिखकर, कि हम आपको जैसे कोई भी पाठ के प्रश्न उत्तर लिखवा रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं और समझ रहे हैं। भाषा, भाषा क्या होती है? भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के भेद, भाषा के दो भेद होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला हम अब मौखिक भाषा के विषय में पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, ये भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर समझे जाते हैं, जैसे समाचार पढ़ना, भाषण देना आदि। दूसरा रूप है लिखित भाषा। ये भाषा का वह रूप है जिसमें मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है और दूसरे उसको पढ़कर समझते हैं, जैसे पत्र लिखना, परीक्षा में उत्तर लिखना, समाचार लिखना आदि। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हिंदी भाषा में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि सांकेतिक भाषा से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब हम मातृभाषा के विषय में पढ़ेंगे। मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ है मातृ की भाषा। मातृभाषा वह होती है जिसमें बच्चा सबसे पहले अपने परिवार तथा अपनी माँ से सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसको जिस नाम से पुकारती है, उसके परिवार के सदस्य उसको जिस नाम से पुकारते हैं तथा जो आपस में वार्तालाप करते हैं, वे उसी भाषा को समझता है, अर्थात मातृभाषा माँ की भाषा होती है। राजभाषा, किसी भी देश में सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र की जनता द्वारा किया जाता है, जो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लिपि, भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, मींस लेफ्ट टू राइट। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: हिंदी देवनागरी लिपि, उर्दू फारसी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, गुजराती गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि का एक रूप संस्कृत देवनागरी लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, बंगाली बंगाली लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, फ्रेंच रोमन लिपि। बोली, बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा बोली कहलाती है।
भारत की कुछ बोलियां बुंदेली, मैथिली तथा पहाड़ी आदि हैं। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। भाषा के तीन विभाग हैं। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण तथा उसके बनावट का ज्ञान होता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार से हमें शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार से हमें वाक्यों के भेदों, वाक्यों के उपयोग तथा वाक्यों की रचना और वाक्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है।